एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। मतलब अब हमें क्या किया है, सब कुछ भर भर के दे दिया। जो मैंने इससे पहले से पहला वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स एक्सप्लेन किया था जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन वन फंक्शनल ग्रुप। उसमें भी मैंने जो वैरायटी था सब एक्सप्लेन कर दिया। अब हम समझने वाले हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन एवरीथिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद जो बच जाए वो क्या हो जाता है, साइड चेन। तो आज हम इसकी नेमिंग को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले ना हम क्वेश्चंस को, रूल्स को समझेंगे विद क्वेश्चंस जो हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड भी दिया है और फंक्शनल ग्रुप भी दिया है, ठीक है। और अगर हम ध्यान दें सेकेंड वाले क्वेश्चन में, तो सेकेंड में भी सेम है, डबल बॉन्ड भी दिया है और फंक्शनल ग्रुप भी दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हम कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन तुम देखोगे ना, सब में डबल बॉन्ड है, या तो तुम लोग को कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा और फंक्शनल ग्रुप भी होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे भैया, क्योंकि देखो लॉन्गेस्ट चेन तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन दुविधा कहाँ से पैदा होती है, नंबरिंग से, कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कि किसको कम से कम नंबर मिल जाए। तो एक बात याद रखो, जो ये ऑर्डर होता है ना, अगर ये ऑर्डर याद कर लोगे तो नेमिंग का तरीका बहुत आसान हो जाएगा। वो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ना फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो, फिर किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को, फिर आता है हमारा बेचारा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, फिर आता है हमारा सबसे छोटा छुटाया दैट इज साइड चेन, ठीक है, साइड चेन है ये, मैंने पता नहीं क्यों SG लिख दिया है, ठीक। तो सबसे लास्ट में आता है हमारा साइड चेन। तो अब ये ऑर्डर याद रखो और फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने बताया था ना, जब कोई नहीं प्रेजेंट है, जब कोई नहीं है फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, सल्फोनिक, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, साइनाइड, अमाइड, मतलब ये सब अगर नहीं दिख रहे हैं ना, और तब अगर तुम्हें अल्कोहल या फिर हैलोजन दिखता है तो हम इनको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। जब बड़े बड़े लोग नहीं आए तो अभी हम इसी को बड़ा बना देते, ठीक। लेकिन मोमेंट इसके साथ कोई और आ जाए, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी मैंने नाम लिए थे, तब हम इसको हमेशा क्या बना देते, साइड चेन, समझ आया। तो अब हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, ये, तो अब ये है डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए बताओ, तुम लोग का दिल क्या कहता है, यहाँ से, ठीक है। जिसका यहाँ से किया ना वो गलत है, बेवकूफ बच्चा है वो, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब यहाँ पे कोई साइड चेन तो है नहीं, तो हम प्रीफिक्स कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक, सेकेंडरी सफिक्स, ये याद रखना। तो अभी कुछ प्रीफिक्स है नहीं, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब हमें ये भी तो बताना होगा, अब तो डबल बॉन्ड आ गया, एन नहीं लगा सकते हो, क्या लगाओगे, इन लगाओगे, तो इन में भी तो पता होना चाहिए इन कहाँ लगा है, कौन से पोजीशन पे। तो टू और थ्री के बीच में थ्री लिखोगे, टू लिखोगे, टू लिखना है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट टू इन, जो ड्रॉप करना है, जो लिखना होगा हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। ब्यूट टू इन क्या हो जाएगा, वन होल, वन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर ये सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे होता तो वो नंबर लिखना जरूरी था, अभी फर्स्ट पे है तो वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर दो भाई इसको, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन वन ओल, समझ आ गया। अब हम सेकेंड वाले में आते हैं, सेकेंड वाले में भी सेम, अभी आसान है, ये वही चीज है, ये एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, अल, ठीक है, अगर याद नहीं है तो ये सब याद कर लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंट, तो क्या हो जाएगा, पेंट, 1 2 3 4 5, है ना। तो क्योंकि देखो चाहते तो हम यहाँ से करते तो डबल बॉन्ड को टू नंबर मिलता, लेकिन बेटा हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ एक और भाई साहब प्रेजेंट है ना, एल्डिहाइड, इसीलिए हम प्रायोरिटी इसको देंगे, इसलिए हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से मत कर देना। तो क्या हो जाएगा, पेंट, 3 इन, क्या हो जाएगा, अल, ठीक है। अब फिर से इन का ई क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, तो पेंट 3 इन इनल, पेंट 3 इनल, ये होगा इसका नाम, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले में आ जाओ, थर्ड वाले में अगर हम आते हैं तो क्या आ गया, हमारे कीटोन भाई साहब आ गए, तो
तो कीटोन को तो हम वन नंबर कभी दे ही नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा कहाँ आते हैं, मिडिल ऑफ द चेन में, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ से करोगे, वन टू, वन ने भाई वन नहीं दे सकते, टू थ्री तो दे सकते हैं कुछ बच्चे, यहाँ से ना करना नंबरिंग, ठीक है। तो टू थ्री फोर फाइव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट फोर ईन, कीटोन के लिए क्या सफिक्स होता है, ओन, तो कौन से नंबर से लगा, टू, तो पेंट फोर ईन, ई का ई ड्रॉप कर दो क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, टू ओन, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। अब अगर हम इस वाले में देखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो कौन सा चेन सेलेक्ट करोगे, तब से मेन चेन होगा हमारा ये वाला, क्योंकि इसमें हमारा क्या आया है, एल्डिहाइड, नंबरिंग यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब ध्यान दो, जो मेन चेन है उसको छोड़ के जो बच गया वो हमारे क्या बन जाएंगे भाई साहब, साइड चेन। तो साइड चेन को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ प्रीफिक्स, कहाँ लगा है वो भी बताना है हमें, तो कहाँ लगा है, सेकेंड पोजिशन पे, तो किसका नाम क्या हो जाएगा, टू मिथाइल हेक्स, हेक्स क्या करो, तो एन लिख दोगे, नहीं ईन लिखना है, कहाँ पे, हेक्स थ्री ईन, और क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का अल यूज होगा तो ये हटा दो, ईनल, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, टू मिथाइल हेक्स थ्री ईनल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिफ्थ वाले पे आओ, फिफ्थ वाले पे ये भी सी एच ओ है, ये भी सी एच ओ है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट कौन सा, टू ईन, और क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, सी एच ओ रिपीट हो रहा है ना, तो डाई अल लग जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है तो ई रहेगा, पेंट टू ईन डाई अल। अच्छा, अब कुछ बच्चों के यहाँ पे दिमाग में आएगा कि हम इसके नंबर को नहीं लिख सकते हैं, पेंट टू ईन वन कॉमा फाइव डाई अल, तो नहीं बेटा ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइड हमेशा कैसे होते हैं, टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं, तो जो टर्मिनल ग्रुप्स के कार्बन होते हैं उनके नंबर को तुम्हें कोई बताना जरूरी नहीं है, वो ऑब्वियस है, वो हम समझ जाएंगे और वो अब तुम्हें भी समझना आना चाहिए, ठीक है। सेम ये है, अब ये वाला मैं तुम लोग के लिए होमवर्क के लिए देती हूँ, अगर ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया तो तुम ये वाला भी कर लोगे, और बेवकूफ़ी मत करना या ध्यान देना, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो टर्मिनल, जिनके कार्बन को हम टर्मिनल कार्बन की तरह ही, जिनके कार्बन टर्मिनल कार्बन ही होते हैं, तो उनका नंबर या पोजीशन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पैंदा, समझ आया। तो आई होप ये वाला वीडियो तुम्हें समझ आया होगा। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड दे देते हैं जिसमें सब कुछ दे दिया तुम्हें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप साइड चेन, तो योर प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी फंक्शनल ग्रुप, देन कम्स डबल बॉन्ड, देन कम्स ट्रिपल बॉन्ड, देन कम्स साइड चेन। ये ऑर्डर अगर तुम्हें याद है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा और रूल्स तुम्हें याद होने चाहिए बस। तो आई होप आज का वीडियो समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू एंड बाय।